तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नाचनी इलेक्ट्रिक में। सो कैसे हैं सब, आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 2800 RPM बुलेट एपीफेन का दोस्तों वाइंडिंग डाटा जानेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि स्टेटर की मोटाई कितना है और इस स्टेटर में हमें जब कॉइल की लंबाई कितना रखना है और कॉइल टर्न हमारी क्या होगी और कॉइल पिच हमारी क्या होगी। फ्रेंड्स, अगर हम कॉइल को ज़्यादा बड़ा बना देंगे दोस्तों ये हमारा जो है बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा और जो मोटर जो है दोस्तों ये शॉर्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें कॉइल कितना इंची पे बनाना है जब जाके दोस्तों इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा हो और दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटा है उसे भी दबा लें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो होगी आप लोग को जल्द ही देखने को मिले। चलिए दोस्तों टाइम को भी ना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस स्टेटर की मोटाई जानेंगे, इसके बाद दोस्तों आउटर डाई और इनर डाई जानेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमें जो है जानना जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह का स्टेटर जो है काफ़ी अलग अलग भी होते हैं और आपका स्टेटर जो दोस्तों मैच कर जाएगा तो आप आसानी से दोस्तों ये डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटर आप देख रहे हैं दोस्तों ये कुछ इस तरह के फैन में आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैन और ये फैन, इस तरह के फैन में आपको जो है ये मोटर जो है ये स्टेटर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो है स्टेटर मोटाई जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्टेटर की मोटाई तकरीबन दोस्तों 1 इंच के आसपास है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जो है इनर डाई जान लेते हैं, इसकी इनर डाई हमारा क्या है। देखिए ये तकरीबन दोस्तों ये 2 इंच के आसपास है। इसके बाद दोस्तों हमें आउटर डाई भी जान लेना चाहिए, तो ये फ्रेंड्स ये जो है 3.5 इंच के आसपास है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है आईडी और ओडी जो है हमने जान लिया है इस स्टेटर की। तो चलिए अब यहाँ पे हम डाटा की बात करते हैं। देखिए डाटा की बात करने से पहले सबसे पहले हमें जो है इस स्टेटर में दोस्तों यहाँ पे हमें 7 नंबर की पीवीसी पेपर जो है इंस्टॉल कर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो है 4 सेट बनेगा दोस्तों, 2 स्टार्टिंग की होगी कॉइल और 2 यहाँ पे हमें रनिंग कॉइल के लिए बनानी है। और रनिंग कॉइल में दोस्तों हमें जो है 2 सेट बनानी है और दोस्तों 1 सेट से हमें जो है 3 राउंड हमें करनी है और 1 सेट से हमें जो है 3 राउंड करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा कॉइल पिच होगा दोस्तों 1 से 8 हमें 1 राउंड करनी है और 1 से 10 हमें 1 राउंड करनी है और 1 से 12 में दोस्तों हमें 1 राउंड करनी है। इसी प्रक्रिया को हमें दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल के साथ भी अपनाने, मतलब स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल की पिच हमारी दोस्तों सेम रहेगी। चलिए यहाँ पे हमारा कॉइल टर्न और कॉइल डिस्टेंस हमारा जो है अलग होगा, तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है एक कॉइल जो है रनिंग की डाल के रेडी कर लिया स्लॉट में। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज जो है काफ़ी बेहतरीन है, ना ही बड़ा है और दोस्तों ना ही छोटा है दोनों तरफ से। चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले मैं डाटा की बात करता हूँ। तो हमने जो है रनिंग कॉइल में कितना टर्न और कितना नंबर का जो है यहाँ पे हमने SWG स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पे हमने जो है यूज़ किया है और कॉइल पिच क्या है हमने दिया। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डाटा भी दे दूंगा लास्ट में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बुलेट स्टैंड फैन वाइंडिंग डाटा अलमुनियम वायर से यहाँ पे दोस्तों 2800 RPM है। फ्रेंड्स, स्टेटस है दोस्तों यहाँ पे 1 इंच है। देखिए सबसे पहले मेरे यहाँ पे जो हमने रनिंग कॉइल जो है डाला है और रनिंग की बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे रनिंग कॉइल में स्टैंडर्ड वायर गेज दोस्तों 34 नंबर अलमुनियम वायर को हम जो है यहाँ पे जो है यूज़ किया है। और दोस्तों यहाँ पे हमने जो कॉइल टर्न दिया है, मतलब इसमें जो हम कितना बार टर्न दिए दोस्तों 330 टर्न दोस्तों हमारा जो है रनिंग कॉइल में है। और कॉइल डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है कॉइल की गोलाई होती है दोस्तों वो हमारा जो है 29.5 इंच है। और कॉइल पिच दोस्तों 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड, मतलब इस तरह से दोस्तों हमने जो है रनिंग कॉइल को जो है बनाया था। और दोस्तों यहाँ पे हमने जो है ये डाटा यूज़ किया है। और दोस्तों यहाँ पे तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है स्टार्टिंग कॉइल को भी इसी तरह से डाल के दोस्तों रेडी कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने जो है एक कॉटन टेप मारा है दोस्तों, इसे डक्टरी टेप भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग के बीच हमें दोस्तों इससे किसी भी प्रकार के दोस्तों संपर्क ना हो और दोस्तों कॉइल शॉर्ट ना हो दोस्तों, उस वजह से दोस्तों हमें जो है या तो हमें पेपर लगाना पड़ता है दोस्तों पीवीसी, या हो सके तो इंसुलेशन पेपर या डक्टरी टेप दोस्तों लगा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने जो है डक्टरी टेप लगा के और दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल को जो है अच्छी तरह से हमने डाल लिया। देखिए यहाँ पे हमारा जो है कॉइल फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कॉइल बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। तो हमने जो है आपको जो कुछ देर पहले जो है रनिंग कॉइल की डाटा हमने बताया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कॉइल की मैं आपको डाटा बताता हूँ कि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होगा और कॉइल पिच और कॉइल डिस्टेंस और कॉइल टर्न हमारा दोस्तों क्या होगा। देखिए रनिंग की तो हमने बता दिया है और स्टार्टिंग कॉइल की बात आती है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल में स्टैंडर्ड वायर गेज हमारा दोस्तों 34 नंबर एल्युमिनियम वायर होगा। दोस्तों कॉइल टर्न की बात की जाए तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पे जो है 330 टर्न यूज़ किया है रनिंग में और यहाँ पे हमें 30 टर्न दोस्तों घटा लेने हैं, मतलब 300 टर्न हमें जो है स्टार्टिंग कॉइल में रखनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग कॉइल में कॉइल डिस्टेंस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमें 1 इंच घटा के, मतलब यहाँ पे हमने जो है 29.5 इंच रखा था और यहाँ पे 1 इंच हमें घटा के, मतलब 28.5 इंच रखनी है हमें यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों, 28.5 इंच मतलब 1 इंच घटा लेंगे तो। ये अगर यहाँ पे कॉइल पिच की बात की जाए, देखिए कॉइल पिच हमारा जो है दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों का सेम ही होगा, मतलब जिस तरह से दोस्तों हमने जो है रनिंग में डाला है उसी प्रक्रिया को हमें जो है स्टार्टिंग कॉइल के साथ भी अपनानी है।
तो यहाँ पे हमने जो है स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल दोस्तों यहाँ पे हमने एपी टेबल फैन का फुल वाइंडिंग डाटा जो है जान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कहिएगा कि आपने जो है वाइंडिंग करके नहीं देखा है, क्योंकि दोस्तों हमने जो है ऑलरेडी दो ब्लेड फराटा फैन पे जो है वीडियो बनाई हुई है, और दो ब्लेड फराटा फैन का जिस तरह से करते हैं उसी तरह से दोस्तों इस फैन का भी हमें जो है वाइंडिंग करना है। तो इसीलिए दोस्तों हमने जो है इसका वाइंडिंग नहीं किया है इसलिए, और हमने जो है डायरेक्ट जो है आपको जो है डाटा बता दिया। अगर दोस्तों दो ब्लेड फराटा फैन का अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो है, तो फ्रेंड्स हम जो है आपको वीडियो को लास्ट में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे देंगे दोस्तों, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है रिवाइंड हो चुका है। बात आती है दोस्तों इसकी कनेक्शन की, तो कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा सिलाई करना होगा आगे की तरफ, उसके बाद पीछे की तरफ दोस्तों चार वायर है, और दोस्तों यहाँ पर हम चार वायर ही निकालेंगे इस मोटर से, मतलब रनिंग के लिए यहाँ पे हम दो रेड यूज़ कर लेंगे और दोस्तों स्टार्टिंग के लिए दो ब्लैक यूज़ करेंगे, और दोस्तों हमें रनिंग पे ही चलाना है। एक हमें कॉमन बनाना पड़ता है, एक स्टार्टिंग की एक वायर लेंगे और एक रनिंग की वायर लेके रेड और ब्लैक को हमें एक साथ जोड़ लेनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दो वायर आपका जो बच जाएगा दोस्तों वो कैपेसिटर की वायर होगी, और उस पर आपको कैपेसिटर लगाना है, मतलब एक ब्लैक पे जोड़ना है हमें कैपेसिटर की वायर, एक हमें रेड पे जोड़नी है। यहाँ पे सप्लाई जो है दोस्तों यहाँ पे कॉमन जो वायर होगा आप जो बनाएंगे दोस्तों उस पर हमें न्यूट्रल की वायर जोड़नी है, और दोस्तों दूसरा जो वायर हमें जो है फेस का बच जाता है दोस्तों वो हमारा जो है रेड वायर पर ही जोड़ना है। अगर उस सिचुएशन में दोस्तों अगर आपका फैन उल्टा चल जाता है दोस्तों तो रेड और रेड वायर को आपस में एक्सचेंज कर लेनी है दोस्तों, आपका मोटर जो है 100% सीधा चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर इस मोटर में हमें ए वी बुलेट फैन में दोस्तों अगर कैपेसिटर की बात की जाए दोस्तों तो कितना एमएफडी की कैपेसिटर हमें जो है इस मोटर में यूज में लानी है, तो देखिए यहाँ पे हमें जो है 2.5 एमएफडी से लेके दोस्तों 3.15 तक यहाँ पे हम कैपेसिटर को दोस्तों हम यहाँ पे यूज आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये है एपी बुलेट स्टैंड फैन का फुल अल्यूमिनियम डाटा। दोस्तों बेहतर होगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट बना ले ताकि आपको जो है आगे बहुत ही काम देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटा है उसे भी डालें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो होगी आप लोग को जल्दी देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन और इसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।